मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्री परिषद ने वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप वन प्रबंधन में समुदायों की भूमिका को सशक्त करने के लिए मध्य प्रदेश शासन के पुनरीक्षित संकल्प 2021 का अनुमोदन किया गया। इस पुनरीक्षित संकल्प के अनुसार तीन प्रकार की समितियों के स्थान पर अब एक ही समिति गठित की जाएगी, जिसे सामुदायिक वन प्रबंधन समिति कहा जाएगा। प्रत्येक वन समिति के सदस्यों में से एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ग्राम पंचायत का सरपंच कार्यकारिणी का पदेन सदस्य होगा। कार्यकारिणी के अध्यक्ष के पद पर पुरुष का चयन होने पर उपाध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित होगा। इसके साथ ही मंत्री परिषद ने पिछड़ा वर्ग के कन्या और बालक नव निर्मित छात्रावासों के लिए इंदौर, जबलपुर, आगरमालवा, शाजापुर और दमोह में 50 पद निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृत पदों में 2 अधीक्षक, 6 सहायक अधीक्षक, 4 कंप्यूटर ऑपरेटर, 8 चौकीदार, 10 रसोईया, 10 पानी वाला और 10 स्वीपर के पद शामिल हैं। कैबिनेट की बैठक में भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की संस्थाओं के 1401 पदों में से चतुर्थ श्रेणी के डाइंग कैडर के रिक्त 38 पदों को समाप्त कर कुल 1363 अस्थायी पदों की निरंतरता 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सौर ऊर्जा पार्क योजना में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स मोड में स्वीकृत ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर पार्क 600 मेगावाट और छतरपुर सौर ऊर्जा पार्क 950 मेगावाट को विकसित किए जाने की स्वीकृति दी। इसके साथ ही मंत्री परिषद द्वारा दुर्गम वन क्षेत्रों में दूर संचार अवसंरचना के विस्तार और वहां के निवासियों को आसानी से इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में जारी नीति एवं दिशा निर्देश में संशोधन करने का निर्णय लिया।